चलिए नए स्टूडेंट से मिलते हैं। नाम है अभिषेक, जिनका कि ऑल इंडिया 128 रैंक है। उनको एनआईटी सूरत का अलॉट हुआ है और अभिषेक मंदसौर डिस्ट्रिक्ट एमपी से हैं। तो सबसे पहले अभिषेक, आपको इस रैंक के लिए ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा नाम अभिषेक उदया है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 128 था। ये मैं गरोट से हूँ बेसिकली। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन तकरीबन मई 2020 से स्टार्ट की थी। तो उस टाइम तो मतलब इतना ज्यादा सीरियस था नहीं मैं अक्टूबर तक, क्योंकि मैं थोड़ा मतलब कोडिंग वगैरह कर रहा था इसलिए। पर फिर अक्टूबर से मैंने थोड़ा सीरियस प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। तो मैंने बेसिकली बैच भी ज्वाइन किया था। तो उस टाइम पर सर आपने एलजेब्रा स्टार्ट किया था, तो एलजेब्रा से सर मैंने शुरू किया था। पर उस टाइम था कि मैंने वीडियो देख लिया था और जो मटेरियल था वो सॉल्व कर लिया था थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर मैंने अक्टूबर से एकदम सीरियस प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। तो मतलब मेरी जगह स्ट्रेटेजी की बात करूं मैं, तो मैंने सबसे पहले जैसे लेक्चर्स हो गए, उसके अलावा उसके बाद फिर उसका मटेरियल जो आपने प्रोवाइड किया था उसको अच्छे से सॉल्व किया। और उसके अलावा मैं एक बुक सॉल्व करता था सेल्फ स्कोर नाम से, एरर्स मैथमेटिक्स की, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस काफी अच्छे थे मतलब बेसिक्स लेके एडवांस तक। तो मतलब फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने वो बुक सॉल्व करी थी। तो सर मतलब वो बुक काफी अच्छी लगी थी मुझे इसलिए। तो सर वो बुक सॉल्व करने के बाद, ये सब करने के बाद फिर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे ये पता करने के लिए कि मेरी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है। तो मतलब पिछले ज्यादा साल के नहीं किए थे, पिछले 5 साल के किए थे बस, ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरी जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। तो ये सब करने के बाद इसे मैंने एलजेब्रा भी किया, ट्रिग्नोमेट्री भी किया और कैलकुलस जितने भी टॉपिक्स थे वो सब किए। उसके अलावा अक्टूबर के आसपास सन प्रतीक सर ने स्टार्ट किया था रीजनिंग वगैरह, तो रीजनिंग को भी मैंने इसी ऑर्डर में फॉलो किया। पहले वो किया, एप्टीट्यूड हो गया, उसके क्वेश्चन देख लिए प्रीवियस ईयर के, और इस तरीके से फॉलो किया सब कुछ। ये सब करने के बाद फिर सर अराउंड मार्च के आसपास मॉक टेस्ट शुरू हुए थे। तो इस बार वैसे टेस्ट काफी सारे हुए थे। तो मॉक टेस्ट में शुरू शुरू में तो मेरा स्कोर कम था, क्योंकि जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते ना पहले, उसमें तो स्कोर अच्छा आ रहा था बेसिकली और रैंक भी अच्छी आ रही थी। पर जैसे फुल लेंथ हुए तो मेरे स्कोर काफी कम हो गए। तो पर शुरू में, उसके बाद फिर मैंने पेपर का एनालिसिस किया और मतलब कुछ गलतियां कर रहा था मैं बेसिकली, जो मतलब बहुत सिली मिस्टेक्स होती है, उससे उसके चक्कर में मेरी रैंक गिर रही थी। जैसे मैं अगर टॉपर का स्कोर देख रहा था, मेरा स्कोर देख रहा था ना, तो उसमें वही डिफरेंस था कि मैं एक्यूरेसी में मिस्टेक कर रहा था बस। तो मतलब एक्यूरेसी में कहीं ना कहीं लैग कर रहा था मैं। तो मेरा मेन मोटिव था कि मैं एक्यूरेसी को थोड़ी अच्छी कर लूंगा तो मेरी रैंक आ जाएगी अच्छे से। तो मेरा ये था कि पहले एक्यूरेसी को मैंने थोड़ा सुधारा, फिर स्पीड में वर्क किया, क्योंकि निमसेट में ऐसा होता ना कि आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत अच्छे से करना होता है। आप ऐसा नहीं कि आपको 120 क्वेश्चन ही सोल्व करने, आप भले 80 क्वेश्चन करें या 90 क्वेश्चन करें, लेकिन अच्छे से करें और एक्यूरेट करें, तो वो बहुत मैटर करता है। तो वही था कि सर मैंने एक्यूरेसी वर्क किया और स्पीड पर वर्क किया, और सर धीरे धीरे एनालिसिस करता गया पेपर का और गलतियां सुधारता गया और इम्प्रूवमेंट करता गया, तो मेरा स्कोर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता गया। और फिर सर उसके बाद फिर सर रैंक वगैरह फ्लक्चुएट होती थी मेरी, ऐसा नहीं कि मतलब हमेशा टॉप 10 में आया हुआ है सर, आए कभी 100 भी आ रही है, कभी 50 भी आ रही है। पर सर ऐसा था ना कि उससे मतलब फर्क नहीं पड़ता। आपने बोल दिया था ना कि सर रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपने पेपर का एनालिसिस अच्छे से किया है, तो आप फाइनल एग्जाम में अच्छे रैंक ले आएंगे आराम से। तो सर वही बात है कि मैंने एनालिसिस अच्छे से किया, एक्यूरेसी पे वर्क किया और स्पीड पे वर्क किया, और सबसे खास कि क्वेश्चन का सिलेक्शन, मतलब टफ क्वेश्चन में उलझना नहीं है और इजी क्वेश्चन को पहले करना है, फिर मीडियम करना है और फिर टफ करना है। तो इसी ऑर्डर को फॉलो किया तो सर मतलब फाइनल में रैंक आ गई। वेरी गुड, काफी सारी अच्छी चीज बताया अभिषेक। अभिषेक ये बताइए, आप फाइनल ईयर में थे है ना, आपने फाइनल ईयर के साथ ही एग्जाम दिया, आप शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया, तो कहीं ना कहीं कोविड का भी आपको फायदा मिला, पर फिर भी क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई काफी होती है, असाइनमेंट वगैरह सब आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती होंगी, तो दोनों का मैनेजमेंट कैसे था आपका? सर मतलब कॉलेज का इस बार प्रेशर कम था क्योंकि कोरोना आ गया था ना, इस वजह से एग्जाम भी ऑनलाइन हुए था सब। हाँ ऑफकोर्स असाइनमेंट वगैरह मिलते थे कॉलेज से और ऑनलाइन क्लासेस होती थी, पर मतलब इतना लोड नहीं था जितना कॉलेज में होता था। मतलब अगर कॉलेज में होता तो शायद मैं निमसेट की प्रिपरेशन इतना अच्छे से नहीं कर पाता। पर सर मतलब घर पर था ना तो एक टाइम बहुत था मेरे पास, कि और ऐसा है कि मुझे रात को पढ़ना पसंद आता है, तो ऑनलाइन क्लास में ये भी फायदा था कि मैं अपने हिसाब से पढ़ सकता हूँ, कि मतलब दिन में मैंने कॉलेज की क्लासेस अटेंड कर ली है और रात में मैं अपने हिसाब से पढ़ लेता था कि मतलब मुझे रात को पढ़ना सही लगता है, इसलिए कि क्लासेस मैंने रात को देख ली, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व कर लिए। तो मतलब मेरा ऐसा था कि हाँ, पर कोरोना का इस बार मुझे फायदा हुआ एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि मतलब उतना लोड नहीं रहा बेसिकली, एक तरह से देखा जाए तो इतना लोड नहीं रहा बेसिकली, क्योंकि अगर कॉलेज में होता तो कॉलेज जाना, क्लासेस करना, और इस खास कि ऑनलाइन क्लासेस थी तो मुझे घर कहीं जाना भी नहीं था, घर बैठ के लैपटॉप खोल के और पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना बस, तो टाइम भी काफी सेव हुआ इससे। अच्छा ऑनलाइन का काफी फायदा था एक तरह से ऑनलाइन का। कोरोना ऑफकोर्स कम, क्या सर
हाँ ऑनलाइन का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, मतलब आपने क्योंकि सभी पढ़ाई ऑनलाइन की तो इम्पीटस गुरुकुल के साथ आप ऑनलाइन काफी पहले ही जुड़ गए थे, और एक सबसे अच्छी बात जो आपने बोली ना ऑनलाइन का, एक ये एडवांटेज जरूर होता है कि हमारे पास, हम बाद में भी उसको पढ़ सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, कोई चीज अच्छे से समझ में आ गई तो ठीक, नहीं आई तो दोबारा भी देख सकते हैं, ऐसे कई सारे प्लस पॉइंट्स होते हैं। बस ऑनलाइन में एक ही चीज होती है, वो होता है सेल्फ डिसिप्लिन। तो मैं चाहता हूँ आपका ऑनलाइन का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने अपने आप को डिसिप्लिन कैसे रखा? सर मतलब डिसिप्लिन में इतनी दिक्कत नहीं हुई, मैं क्या करता था कि अपने टारगेट लिख देता था कि मुझे आज इतना करना है, जिस आज लेक्चर हो गए तो उसको अटेंड करना है, और ये डीपीटी सॉल्व करनी है, और बुक के ये क्वेश्चन सॉल्व करने, मान लो कि सेल्फ स्कोर में फॉलो करता था तो मान लो कि मुझे पहले से लेके 100 तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मतलब मैं लिख लेता था पहले से कि मुझे आज ये करना है, तो उस हिसाब से मैंने फॉलो कर लिया डिसिप्लिन। सर अगर हम थोड़ी सी अगर एफर्ट लगाए तो डिसिप्लिन आ जाता है एक तरह से, और ऑनलाइन में बेसिकली मुझे लगता है कि फायदा लगता है एक तरह से, क्योंकि हम अच्छे से अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं और टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर हमें क्लासेस जाना हो ना तो हमें तो जाना पड़ता है क्लासेस, आने जाने का टाइम भी सेव होता है हमारा, तो ऑनलाइन में फायदा होता है। अगर हम थोड़े से एफर्ट लगाए तो ऑनलाइन क्लासेस मुझे ज्यादा बेहतर लगती है ऑफलाइन के मुकाबले। हाँ ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जैसे कोई सेल्फ डिसिप्लिन है तो ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे बेनिफिट ये हैं कि आप घर में रहते हैं, आपको कहीं आने जाने का टाइम, ट्रेवलिंग टाइम बच जाता है, अच्छा आप कहीं जाके ज्वाइन करते हैं तो हॉस्टल में रहते हैं, खाने वाने बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। ऑनलाइन में सबसे बड़ा फायदा ये होता है जो मुझे लगता है कि बच्चा घर पे है, बस उसको सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। यस सर, बस सबसे खास वही कि अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया और अगर आपने टारगेट फिक्स कर लिया कि मुझे ये करना है तो आप कर जाएंगे। मतलब काफी बच्चे होते हैं ना कि शुरू में ज्वाइन तो कर लेते लेकिन वो आखिर तक टिकते नहीं है, बस अगर वो आखिर तक टिक जाए ना अगर ऑनलाइन में और डिसिप्लिन मेंटेन कर ले तो रैंक बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये बात काफी अच्छी बोली अभिषेक आपने कि आप रोज का एक टारगेट सेट करते थे और उस टारगेट को पूरा करते थे। क्या होता है ये जो इंटरव्यू लेने का पर्पस भी मेरा होता है कि हर बच्चे की सक्सेस जर्नी एक्सपीरियंस अलग अलग रहता है, तो जैसे आप एक शॉर्ट नोट बनाते होगे कुछ कि वो थोड़ा सा बताओ कि कैसे आप अपने टारगेट को सेट करते थे और उन्हें कैसे अचीव करते थे, जिससे जो बच्चे ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन चीजों को ध्यान रखें। सर मतलब मैं जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने जैसे लेक्चर कर लिए, एक तो लेक्चर रोज करना ही है, जैसे मैं जैसे कभी लाइव नहीं होता था तो मैं उसको रिकॉर्डेड देख लेता था मैंने बाद में अपने हिसाब से, तो उसके अलावा मैंने जैसे एक बुक थी फॉलो की थी और मटेरियल कोचिंग का, तो वो मैंने फॉलो किया था कि मटेरियल सर ने डीपीटी दिए तो वो सॉल्व करनी है, मान लो संडे को कोई टेस्ट हो रहा है तो वो देना है, उसका एनालिसिस करना है, और इसी तरीके से मतलब अपने टारगेट फिक्स कर लिए कि मुझे इतने क्वेश्चन करने एक दिन में। जैसे पहले तो मैंने कम किए थे, पहले 100 क्वेश्चन कर लिए, फिर जब एग्जाम पास आने लग गया तो मैंने भी क्वेश्चन बढ़ा दिए, क्या 200 क्वेश्चन कर लिए, 300 कर लिए, 400 कर लिए, तो इस हिसाब से जैसे जैसे एग्जाम पास आया तो मैंने थोड़ा अपना इंक्रीज कर लिया पढ़ने का टाइम। जैसे पहले था कि मैं 5 से 6 घंटे पढ़ लेता था पहले, तो उसके बाद फिर जैसे जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मैंने थोड़ा टाइम बढ़ा दिया, फिर जैसे जैसे एग्जाम पास आया तो फिर पूरे एफर्ट लगा दिए। पर डे लगभग कितना टाइम देते थे आप आखिरी में, आखिरी के 3 महीने, एटलीस्ट 3 से 6 महीने? सर 8 से 10 घंटे मान सकते हैं, इतना था। 8 से 10 घंटे, गुड। तो अभिषेक आपसे बात करके बड़ा मजा आया, आपने काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। आप अपने जूनियर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली जो फाइनल ईयर में, इनफैक्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले भी जब इसे सुनते हैं तो वो एक्शन ले लेते हैं, क्योंकि जो जितने पहले ज्वाइन करता है, जितने पहले पढ़ना स्टार्ट करता है, उसके ऊपर उतने एफर्ट्स कम हो जाते हैं। तो आपके लिए, आपको जूनियर का क्या मैसेज है? मैसेज में सर मैं ये कहूंगा कि जो सबसे खास, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पेपर का एनालिसिस, जो हम मॉक टेस्ट देंगे ना उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करना, और सबसे खास बात थी कि एक्यूरेसी पे वर्क करना चाहिए। मतलब एक आपने एक्यूरेसी वर्क कर लिया और अगर आपकी स्पीड वगैरह सब क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छा है तो आपकी रैंक तो कोई नहीं रोक सकता, मतलब ऐसा है अगर आपने एक्यूरेसी पे वर्क कर लिया तो। क्योंकि मेरे खुद ने 78 क्वेश्चन किए थे एग्जाम में और मैं 72 क्वेश्चन राइट हुए थे, तो मेरा कहीं ना कहीं एक्यूरेसी का था कि अगर एक्यूरेसी अच्छी रही तो इस वजह से मेरी रैंक आ गई। और सर मैंने कुछ क्वेश्चन गलत कर दिए थे एग्जाम में, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आया था, कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन आया था, तो वो क्वेश्चन सर बहुत इजी थे पेपर के, मतलब सबसे इजी क्वेश्चन वही थे, तो भी मेरे क्वेश्चन गलत हो गए थे बेसिकली। कई बार सबसे इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। हाँ सर वही बात, सर सबसे इजी क्वेश्चन गलत हो गए मेरे, मतलब बाकी जो क्वेश्चन थोड़े टफ थे वो सही हो गए। अब सर भी सर ओवरऑल एक्यूरेसी अच्छी थी मेरी, इस वजह से रैंक थोड़ी अच्छी आ गई, इतनी अच्छी रैंक आई। चलो बहुत अच्छी बात है अभिषेक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब NIT सूरतकल में भी ऐसी परफॉर्म करें और अपने जूनियर्स को भी और अपनी जिस जगह पे आप हैं उन जगहों पे भी अभी अवेयरनेस बढ़ाएं, क्योंकि बहुत लोग जानते ही नहीं है कि NIMCET होता है एग्जाम या NIMCET के थ्रू NIT मिलता है। आपने खुद भी फील किया होगा कि ऐसी ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी। सर क्योंकि ना मुझे भी सेकंड ईयर में पता चला था कि NIMCET का एग्जाम भी होता है, उससे मैं MCA कर सकता हूँ। मतलब पहले मेरा प्लान था कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस करूंगा आगे तो MSc करूंगा या फिर MCA का, मुझे बाद में पता चला सेकंड ईयर में जैसे MCA एग्जाम भी होता है NIT से। फिर मेरा कि MCA अच्छा है क्योंकि NIT कराता है, बाकी MSc CS आई थिंक NIT IIT में होता नहीं है।
उसको कोई फायदा भी नहीं होता। इम्पीटस गुरुकुल इसी चीज की कोशिश करता है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पर्पज यही कि हर बच्चे को पता चले, क्योंकि अब ये यूट्यूब पे आने से बहुत फर्क पड़ गया कि एक अवेयरनेस पता चलती है। तो मैं चाहूंगा आप भी ऐसे ही करें। ऑल द बेस्ट वंस अगेन एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा।